डॉक्टर रंजना बेकन, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ जनगाइनी मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद से। आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक टॉपिक जो बहुत कॉमनली लोग सुनते हैं लेकिन क्या है उस बारे में जानना भी चाहते हैं, और आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS होता क्या है? ये एक हार्मोनल पजल है। ये हैपन्स व्हेन योर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एंड्रोजन और आपके रेगुलर रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम योर ओवरीज को हैम्पर कर देता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ PCOS का फर्टिलिटी पे क्या असर है, यानी कि आपकी ओवरीज में फ्लूड फिल्ड छोटी छोटी सी उस सिस्ट बन जाती हैं जो एक माला की तरह आपकी ओवरी को सराउंड कर लेती हैं, और लेकिन एक मैच्योर एग रिलीज नहीं होने पाता, यानी कि PCOS का फर्टिलिटी से पूरा कनेक्शन है। इरेगुलर पीरियड्स, लैक ऑफ ओव्यूलेशन विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू कंसीव। अब PCOS अफेक्ट फर्टिलिटी कैसे करती है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छा नहीं है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को और बढ़ा रहा है। इन टर्न आपकी ओबिसिटी भी इसको बढ़ाएगी। अब या तो PCOS ओबिसिटी बढ़ाएगा या ओबिसिटी PCOS को बढ़ाएगी। इट बिकम्स अ विशियस साइकिल जो एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। तो हम PCOS को कैसे मैनेज करें कि आपकी फर्टिलिटी बेटर हो जाए, उसके लिए सबसे पहले होगा लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि यू हैव टू अडॉप्ट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल विच कैन बी अ रियल गेम चेंजर। लॉस ऑफ वेट, बैलेंस डाइट, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट विच कैन हेल्प यू मैनेज योर PCOS वेल। उसके बाद मेडिकेशंस, देर आर मेडिकेशंस जो आपकी PCOS को कंट्रोल कर सकती हैं, रिवर्स कर सकती हैं, लेकिन आपको ये रेगुलरली लेनी पड़ेंगी ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं और उसके बाद आपकी ओव्यूलेशन साइकिल एकदम ठीक हो जाए। इसके अलावा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ते हैं कई दफ़ा। अगर PCOS आपका हल नहीं होता तो एक्सट्रीम केसेस में आपको IVF यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर If you have slightest hint of PCOS या irregular periods, increase in weight gain, or if you are not having your healthy lifestyle. Next time, next topic. Thank you.